अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको इंस्टेंट हिजाब बनाना, तो जो कि आप बहुत ही जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको जो है एक छोटे से फैब्रिक पे सिखाऊंगी, लेकिन आपको जो मेजरमेंट है वो मैं बड़ों का बताऊंगी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। और इस हिजाब को बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, जैसे कि आप जो है जॉर्जेट का ले सकते हैं, शिफॉन का ले सकते हैं, या फिर क्रेप फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर लंबाई चौड़ाई सेम ही रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे डॉल के हिसाब से बता रही हूँ, तो ये डॉल जो है छोटी सी है, तो इसके हिसाब से मैं 16 इंच रख रही हूँ, लेकिन बड़ों के हिसाब से आपको जो इसकी लंबाई है टोटल 45 इंच तक रखनी है। आप जो है वो लैक्रा फैब्रिक भी ले सकते हैं। 45 इंच का आपको स्क्वायर पीस चाहिए फैब्रिक का, तो इस तरीके से आपको कट करके रख लेना है सबसे पहले। और उसके बाद अगर आपको स्कार्फ़ में जो है लेस वगैरह लगानी है, तो आप स्टार्टिंग में ही लगा के ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा जो है इसमें काम करना है, वो आपको इस तरह फेस की गोलाई लेनी है। तो किसी भी स्कार्फ़ में जो आप फेस को पहनने के लिए जो गोलाई होती है वो किस तरह नाप है, वो हर किसी को नहीं आता है, तो उसके लिए आपको मेजर टिप्पू देखिए इस तरीके से रखना है, और पूरी गोलाई आपको अपने सर की यहाँ पे लेनी है, यानी पूरे चेहरे की गोलाई आपको लेना है सर तक। तो जितनी भी आपकी गोलाई आएगी उसका हाफ आपको करना है। जैसे यहाँ पर जो है वो मुझे 10.5 आ रहा है इसका डॉल का, तो उस हिसाब से 5.25 इंच तक रहेगा। तो आप जो है छोटे बच्चों का बनाएं या बड़ों का बनाएं, तो आपको जो है इसी तरीके से अपने फेस की गोलाई लेनी है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे स्क्वायर पीस रखी है फैब्रिक की, उसे क्रॉस करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह क्रॉस करना है। पहले एक बार हम क्रॉस में रखेंगे और फिर दोबारा से इसे एक बार और जो है इस तरह से क्रॉस करेंगे। और इतना करने पर आप जो है यहाँ पर बीच में प्रेस भी कर सकते हैं, ताकि हमारी जो ये बीच की लाइन है वो बन जाए। ये देखिए इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं किया, मैं आपको डायरेक्ट जो है वो निशान लगा के बताऊँगी। इसका सेंटर आपको लेना है इस तरह। ये देखिए मैंने अंदाज से सेंटर इस तरह मार्क कर दिया है। इसके बाद में अब हमारे जो फेस की गोलाई है उसका हाफ जितना भी आएगा यहीं से हमें मार्क करना है। ये देखिए यहाँ से जहाँ से फोल्ड किया हुआ फैब्रिक है हमारा, यहाँ से यहाँ तक आपके फेस की जो भी गोलाई रहेगी उसका हाफ लेना है। नॉर्मली बड़ों के हिसाब से यहाँ पे 10 इंच तक रखते हैं, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप 9.5 इंच भी रख सकते हैं। इतना हिस्सा आपको पहले मार्क कर देना है, और उसके बाद में आपको 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क करना है, और यहाँ पे एक सीधी लाइन बनानी है। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने जो यहाँ पर 1 इंच रखा है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये जो स्कार्फ बना रहे हैं ये इंस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमें मशीन वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सुई धागा लेंगे और धागे को आप डबल करिए, और जितनी मैंने यहाँ पे मार्किंग की है उसको यहाँ पे इस तरह से सिलाई करिए। बस ऊपर नीचे करना है आपको इस तरह, पहले एक बार पूरी सिलाई कर देनी है, फिर डबल इसको दोहराना है। तो इस तरह से हम मजबूती के साथ में इसमें सिलाई लगा देंगे, और इसको सिलाई लगाने में आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेगा। और यहाँ पर धागा अब हम कट कर देंगे। तो ये सिलाई हमारी हो चुकी है, और देखिए यहाँ पर स्कार्फ़ में हमने कोई भी सिलाई साइड में नहीं करी, लेस नहीं लगानी, लेकिन आपको अगर लेस लगानी है या पीको कराना है तो आप स्टार्टिंग में ही करा दे। ये देखिए अब आपको यहाँ पे टर्न करना है। तो इस तरह देखिए आपने सिलाई लगा लिया, अब आपको जो है फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है, और इस तरह देखिए इसे पीछे की तरफ घुमा देना है। ये हमने ऐसे कर दिया है, जब हमने रखा था सिलाई के लिए तो हमने फैब्रिक को जो है वो उल्टा करके रखा था। अब ये हमारा स्कार्फ एकदम रेडी हो गया। ये देखिए हमारा ये फेस वाला हिस्सा हो जाएगा, और ये जो है हमारा ट्रायंगल में स्कार्फ बनके बिल्कुल रेडी है। तो सेम इसी तरीके से छोटे बच्चों का आप आराम से बना सकते हैं, बस आपको 5 से 10 मिनट ही लगेगा। फैब्रिक है तो आराम से आप बना सकते हैं, या फिर कोई पुराना दुपट्टा आपके पास है और छोटे बच्चों का आप बनाना चाहते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए फेस वाला हिस्सा, तो इसलिए आपको जो है वो चेहरे की गोलाई मेजर करना है, और ये सामने से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो डॉल को पहना के भी बताऊँगी कि पहनने के बाद में ये स्कार्फ कैसा दिखाई देता है। तो ये देखिए डॉल हम ले लेते हैं अभी, और इसे देखिए बस इस तरीके से आपको पहनना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसान है और इजी भी है, और किसी भी फैब्रिक से आप आराम से बना सकते हैं। और सिर्फ ऐसे सिंपल ही नहीं पहनना, आप इसमें जो है वो स्टाइल भी कर सकते हैं, यानी 2-3 तरीके से आप जो है वो फोल्ड भी कर सकते हैं, पिनअप कर सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल जो है इसी तरीके से आप छोड़ भी सकते हैं बना के, और लेस वगैरह अगर लगा देंगे तो ये स्कार्फ का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो अपने जो फेस की गोलाई है वो सही से मेजर करिए, और यहाँ पे निशान लगा के फिर सिलाई करिए, तो आपका जो फेस का ये हिस्सा है बिल्कुल सही बैठेगा।
अब यहाँ पे आप देखिए इसे अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं। और इसे देखिए, अगर आपको एक तरफ करना है, एक हिस्से को आप इस तरह अपना पीछे की तरफ ले जाके शोल्डर पे भी पिन लगा सकते हैं, तो इससे भी स्कार्फ जो है वो अच्छा दिखाई देता है। या फिर अगर आपको जो है अपना स्कार्फ थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप स्कार्फ को इस तरीके से ले जाते हुए देखिए यहाँ पे इसे पिन करना है, और दूसरा वाला हिस्सा दूसरी तरफ ले जाते हुए उसे यहाँ पे पिन करना। तो इस तरह से ये बिल्कुल राउंड शेप में सामने की तरफ हो जाएगा और पीछे से वी शेप में रहेगा। तो आप सामने जो है सिंपल एक ब्रूच भी लगा सकते हैं, या फिर एक हिस्से को इस तरह अपने सर पे घुमाते हुए लेकर जाएं और ऊपर की तरफ आप एक पिन लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो स्कार्फ है बिल्कुल स्क्वायर में हमने जो है इसे रेडी किया है, और ये ट्रायंगल बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा बन के रेडी हुआ है। तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जो है वो स्कार्फ बना के रेडी करना है, और आपके पास पुराना कोई भी दुपट्टा है, तो आप आराम से जो है इस तरीके का हिजाब या स्कार्फ बना के रेडी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको और भी कुछ नया सीखना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पर भी फॉलो करिए, और साथ में मुझे जो है उसकी फ़ोटो भी भेजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।